पेनोप्टन क्या है पेनोप्टन एक्चुअल में एक डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है ठीक है इट इज ओ इट इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट विच वॉज मेड जहाँ पे ये आ, एक तरह से किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन किया रखा करके रखा जा सके हाउ पीपल कैन बी कंट्रोल थ्रू कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन राइट उसके लिए प्रमोट किया गया था राइट right? और ये जेल्स में बहुत यूज़ किया जाता है तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये एक सेंट्रल कोर्ट यार्ड है इस कोर्टयार्ड के अंदर एक ये ऑब्जर्वेशन टावर है ठीक है और ये बाकी सारे वॉल्स जो है यहाँ पे जेल है ठीक है ये सारे सेल्स हैं ऑफ पीपल वेरियस प्रिजनर्स जिनको कैद यहाँ पे रखा गया है ठीक है अब यहाँ पे क्या है ये डोर के थ्रू व्यू किया जा सकता है कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है इस सेंट्रल जेल के अंदर एक गार्ड बैठा हुआ है ठीक है गार्ड बैठा हुआ है गार्ड के पास लाइट है और गार्ड क्या गार्ड कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकता है क्योंकि ये पूरा आप देख सकते हैं 360 डिग्री का व्यू है गार्ड हर जगह हर सेल के अंदर कभी भी चाहे किसी भी प्रिजनर को व्यू कर सकता है कि वो प्रिजनर कर क्या रहा है ठीक है सो द गार्ड कैन व्यू द प्रिजनर बट बेचारे प्रिजनर को पता नहीं लगता कि क्या गार्ड मेरी तरफ देख रहा है या किसी और की तरफ देख रहा है तो इसके कारण क्या होता है इसके कारण एवरी प्रिजनर ऑलवेज फीलिंग दैट द गार्ड इज लुकिंग एट मी ओनली ठीक है तो ये क्या है दिस

देख रहा है राइट सो टावर से गार्ड कैन सी एवरी वन बट द इनमेट्स कॉन्ट सी इन साइड द टार इनमेट डोंट नो वेदर दे आर बींग वॉच्ड और नॉट तो हम कॉन्स्टेंटली प्रिजनर्स यही अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ जी गार्ड मुझे ही देख रहा है राइट right? ये कॉन्सेप्ट जो है पहली बार जेरमी बेंथम ने प्रोड्यूस किया था ठीक है और इनका ये मानना था कि पावर एक्सरसाइज करने के लिए बेंथम का ये मानना था इट शुड बी वेजिबल एंड अनवेरिफाइबल इसका मतलब क्या है कि मुझे दिखते रहे कि कोई अथॉरिटी इन पावर जो है जिसके पास पावर है वो एग्ज़िस्ट करती है बट मुझे ये नहीं पता क्या वो मुझे अभी देख रही है या नहीं देख रही है अब अब इमेजिन करो कि इन अब क्या होता है हम ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करते हैं अगर तो वहाँ पे कोई Uh, एक uh, 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 जो पुलिस वाला है ट्रैफिक पुलिस वाले इफ ही इज स्टैंडिंग वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एट द मोमेंट वी सी दैट द ट्रैफिक गाय इज नॉट देयर वी वी विल विल एंड एंड अप अप ब्रेकिंग द द लाइट्स लाइट्स जंपिंग नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंस एट एवरी ट्रैफिक लाइट दे पुट सीसीटीवी कैमरास एंड दे से हम इन सीसीटीवी कैमरास के थ्रू एक सेंट्रल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं इफ़ पीपल आर ब्रेकिंग द रूल्स और नॉट ठीक है रिगार्डलेस ऑफ चाहे वो कंट्रोल रूम में कोई बैठा हो या ना हो क्या होगा पीपल विल एंड आ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स वाई बिकॉज दे आर कोई पता नहीं वो बंदा शायद मुझे देख ही रहा हो और मेरे घर पर चलाना जाए राइट सो जेरिमी बेंथम का ये मानना था थ्रू सच सर्वेलेंस लोग जो है सोसाइटी जो है इट कैन बी मेड टू बिहेव इन अ अटन मैनर दे एंड रूल्स दे विल बी लॉ एंड ऑर्डर इफ सच अस्टम एग्जिस्ट ठीक तो है तो बेंथम को लगा था ये बड़ी अच्छी बात है इसके थ्रू जो है सोसाइटी रेगुलेट हो पाएगी सोसाइटी विल इन कंट्रोल पीपल विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इसके लिए ही इंट्रोड्यूस दिस आइडिया ऑफ पैनोप्टिकन दिन ठीक है फूको ने अब इसी को इसी आइडिया ऑफ पैनोप्टिकन को जो है और ज़्यादा एक्सपैंड किया और उन्होंने बोला इट्स नॉट जस्ट द सेंट्रल टावर इट इज़ नॉट जस्ट द सी सी टी वी बट इन फैक्ट पेनोप्टन कैन बी अ सिम्बल ऑफ सोशल कंट्रोल जो कि एवरी डे लाइफ में एग्जिस्ट करता है एंड ना ही सिर्फ प्रेजेंस में So not just prisons, पे एक central tower है, जो कि मॉनिटर कर रहा है लोगो को बट हमारे एवरीडे लाइफ में पेन ऑप्टन एग्जिस करता है तो इमेजिन कीजिए ठीक है आप स्कूल से वापस आ रहे हैंगिंग आउट विद यर लाफिंग एंड प्लेइंग एंड यू आर यू नो अ मिक्स जेंडर ग्रुप दैर गर्ल्सो हेंग आउट विद बॉयज वेन यू एंटर योर लोकैलिटी सडनली यू बिकम वेरी कॉन्शियस एंड यू गो अवे फ्रॉम योर फ्रेंड एंड यू वॉक टू योर हाउस अलोन

बस वो डर है दैट वी माइट बी सीन बाय देम एंड दे माइट एंड अप टॉकिंग अबाउट अस एंड दे माइट एंड अप सेइंग थिंग्स अबाउट अस बिकॉज ऑफ विच वी गो अवे फ्रॉम आई फ्रेंड्स एंड वॉक टू अर हाउस अलोन राइट तो ये क्या है इसी तरह से पेनोप्टन जो है फूको बोलते एग्जिस्ट करते हैं पूरी सोसाइटी में जहाँ पर एवरी डे लाइफ भी जो है सिटीजन्स की वो कंट्रोल की जा रही है सिमिलरली मैंने बात की थी ट्रैफिक सिग्नल की ठीक है वहाँ पे स्कैड के सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कहीं मेरे घर पे ही चला ना आ जाए राइट सो so ये पूरा क्या आइडिया है कि ये डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग या ऑब्जर्वेशन जो है सोसाइटी में हर जगह एग्जिस्ट करती है इनफैक्ट फूको गिव्स अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल विच बिकम्स वेरी रेलिवेंट स्पेली इन दीज टाइम्स ऑफ कोविड पेंडेमिक एक्सेट्रा ही कंपेयर द डिसवेशन टू अडीवल विलेज अंडर क्वारंटीन तो फू को ये एग्जाम्पल देते हैं कि प्लेग आ गया है एक विलेज में ठीक है और वहाँ पर क्वारंटीन लग गया है ऑफिसल्स द्वारा जहाँ पे वो ट्राई कर रहे हैं कि सब होम क्वारंटीन में रहे और इसलिए ऑफिसर्स जो है पेट्रोल करते हैं सीट्स को टू एंश्योर स्ट्रीट्स को टू एंश्योर कि विजेस अपने घर से बाहर ना निकले और कहीं बीमार ना पड़ जाए और अगर वो निकल रहे कहते हैं पनिशमेंट क्या है डेथ है सिमिलरली क्या हमने भी देखा है ये कर्फ्यू जब वो लगा देते हैं या वी हैव आल्सो सीन जब दे एंड अप सेइंग कि नहीं आपने घर से बाहर नहीं निकलना आपके घर के बाहर पोस्टर लगा जाते हैं वो राइट कि ये घर जो है इसके अंदर प्रॉब्लम है यहाँ पे जो है इन्फेक्शन आ चुका है दीज पीपल आर सिक्स सो दे आर नॉट सपोज टू कम आउट तो अब क्या है गवर्नमेंट ने और भी अच्छा मेके ढूंढ लिया है गवर्नमेंट कहती है हम क्यों स्ट्रीट्स पेट्रोल करें वो पोस्टर चिपका जाती है आपके नेबर्स ही आप पे नजर रखते रहते हैं राइट दैट दे शुडेंट कम आउट ऑफ हाउस इफ दे एंड ऑफ कमिंग आउट ऑफ हाउस पीपल विल ओनली कॉल अप द पुलिस कि हाँ जी ये तो कोविड पॉजिटिव है बट दे आर कमिंग आउट ऑफ द हाउस राइट तो ये क्या है ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस दैट एवरी डे लाइफ विल ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड वॉट दिस आइडिया ऑफ डिसिप्लिनिंग इट इज कॉल्डिप्लिन ब्लॉक तो सोसाइटी जो है कॉन्स्टेंटली यहाँ पे सर्वेलेंस हो रही है ना अगेन यू कैन इमेजिन आज के डे एंड एज में यू डू नॉट इवन नीड फिजिकल सर्वेलेंस राइट यू हैव थिंग आधार के थ्रू पता लग रहा है कि अगर कोई इंसान पी डी एस पे आके कोई चीजें ले रहा है क्या ये करेक्ट इंसान है या नहीं अगर गैस की बुकिंग करानी है उसके लिए भी आपको आधार कार्ड चाहिए पैन कार्ड है जिसके थ्रू आपकी पूरी इकोनॉमिक इनकम एक्सेट्रा पे नजर रखी जा सकती है आर यू पेइंग टैक्स एज पर योर इनकम इफ़ यू आर नॉट पेइंग दैट टैक्स और इफ़ देर इज सम काइंड ऑफ वेरिएशन यू नो यू गो बाई गोल्ड आर सपोज टू गिव अ पैन नंबर यू गो बाय एनी बिग आइटम यू सपोज टू गिव योर पैन नंबर वाई बिकॉज दे कैन कीप टैक्स के अच्छा इस बंदे की इनकम तो पचास हज़ार है बट इज़ पेंडिंग एक लाख की कर रहा है ठीक है तो ये क्या है क्या ये इतना कमा रहा है कि ये ब्लैक का पैसा है क्या है ठीक है और

इतनी इन्फॉमेशन अवेलेबल थी फेसबुक के पास विद रिगार्ड टू चॉइसेस द वे इन विच यू बिहेव व्हाट आर द थिंग्स दैट कंसर्न यू व्हाट आर द इश्यूज दैट आर क्लोज टू योर हार्ट दैट इट वाज एबल टू मोल्ड योर ओपिनियन इन अ सर्टेन वे कि आप जाके किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी एक इशू के लिए जो है वोट डालें राइट right? तो ये क्या है ये पूरा डेटा या इन्फॉर्मेशन पैनोप्टिकन है जो कि आज की एज में इतना ज़्यादा पॉसिबल हो गया है बिकॉज ऑफ द परपेचुएशन ऑफ दिस artificial intelligence Internet of things and so on so forth right so these examples become very relevant in